सवाल करना चाहूंगा, यही कह रहा था कि आप, मैंने भाई थोड़ा दूसरी तरफ चले गए, मेरा मकसद कहने का ये था कि आप जब आबादी कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो आप एक आम पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल करे, वही कह रहे हैं ना, तो उसकी तो सोच इस्लामी है ना, वो तो इस्लाम पे इस्लाम को फॉलो कर रहा है, तो उस हिसाब से आपके आपकी बात नहीं मानेगा। बाकी रहा वसाइल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक आपके पास जो वसाइल हैं आप उनको बरकाल नहीं डाल रहे, आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं कर रहे, आप इंसाफ की कहीं बात नहीं हो रही, आपकी अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आपके पुलिस थाने के अंदर कोई इंसाफ नहीं है, तो आप इन चीजों को जिनको जो अगर आप समझते हैं कि आबादी आपकी कंट्रोल हो जाती है, चलें कम हो जाती है आबादी, तो ये चीजें रहेंगी तो जराइम तो अपनी जगह खड़े रहे ना। आपको सबसे पहले तवज्जो, मेरा मकसद कहने का, इन चीजों पे देनी है, ये चीजों पे तवज्जो दें, फिर एक मुस्लिम एक इस्लामी आदमी से ये तवक्को रखें, वो बात की बात है कि भाई आप अपनी आबादी पे कंट्रोल करें, वो बहुत आगे वाली बात हो जाती है। मेरा मकसद कहने का ही कि जो फर्स्ट स्टेप, जो सेकंड स्टेप, जो थर्ड स्टेप है उनको लें, ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि एक आम आदमी को कन्वेंस करना कोई इतना इजी नहीं है, सही है ना, हर आदमी की सोच ये नहीं है हर, लेकिन आप जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी करप्शन बता रहे हैं आप, जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो एक आम आदमी तो नहीं कर रहा ना, वो तो आप आपके इदारों में प्रॉब्लम है ना, आप उनकी करेक्शन करें, इंसाफ करें, यहाँ पर जो मेरिट पे है वो करें। बाकी ना मेरा मतलब कहने का, किसी बार बार ऐसी बात होती है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस बात का सहारा ले लिया जाता है जिसका वजूद नहीं है। आबादी को कंट्रोल कर लेंगे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आबादी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके यहाँ चोरी कम हो जाएगी, आबादी को कंट्रोल करेंगे तो क्या आपकी पुलिस रिश्वत नहीं लेगी, आबादी को कंट्रोल करेंगे तो आपकी अदालतों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं, तो इन चीजों पर वर्किंग करें। वो चीजों पर आप सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो हो नहीं सकती, और अपनी जान छुड़वाने वाली बात कर दी कि आबादी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। आबादी मसला बात का है, पहले तो प्रॉब्लम्स ये हैं, इनको तो सॉल्व करें, हमसे सीधा सीधा काम नहीं हो रहा, जो हमको नजर आ रहा है, जो हमको करने चाहिए, जो वसाइल है, जो भूख से मर रहे हैं, तो आपके पास वसाइल है, आप वहां तक पैसा पहुंचाते, दुनिया भर से इमदाद आई, कोविड के अंदर आई, सैलाब के अंदर आई, वो इमदाद वहां तक पहुंची, वल्लाह अगर वो इमदाद वहां तक पहुंचती तो एक आदमी भी भूखा नहीं मरा। हमारे पास इतना कर्जा लिया है, पूरी जिंदगी हम मांगते हैं, जलजला आया था सब पैसे खा लिए लोगों ने, अभी जो इससे पहले 2011 में सैलाब आया था वो पैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट सही जगह नहीं किए। तो मेरा मकसद कहने का ये है, हम आम आदमी से एक्सपेक्टेशन वो करते हैं जो बहुत बात की बात है, जो चीजें आप कर सकते हो, जो आप लोगों के हाथ में है वो तो की नहीं जा रही, तो आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये काम करें।